अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर जाकिर अंसारी, मैनेजिंग कमेटी नीमा भिवंडी सिटी। डियर फ्रेंड एंड कलीग, दिस इज अ लोकेशन वी हैव नेवर फेस बिफोर। आवर सन हैज सेड द पार्टेड वन वाज नॉट सिंपली आवर प्रेसिडेंट, ही वाज अ फ्रेंड एंड ब्रदर टू ऑल। ही वाज द बैकबोन ऑफ आवर एसोसिएशन, दैट इज नीमा भिवंडी सिटी। वी हैव नेवर सीन हिम विदाउट अ स्माइल ऑन हिज फेस। इन स्पाइट ऑफ द टेंशन एंड स्ट्रेस ड्यू टू बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नीमा एंड डिफरेंट एसोसिएशन लाइक AIFTC भिवंडी, AIFTC महाराष्ट्र स्टेट एंड डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन विद हिम, ऑलवेज ही वॉज ऑलवेज चेयरफुल। ही वॉज एन अवर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड कॉन्फिडेंस। ही ऑलवेज डिस्कस द मैटर्स ऑफ इम्पॉर्टेंस विद एल्डर वन लाइक डॉक्टर जावेद शाहजहाँ सर, डॉक्टर आशीष सैयद सर। सिंस ही रिस्पेक्टेड दिस एक्सपीरियंस एंड एज एंड ऑल्सो विद यंगर वन लाइक मी, डॉक्टर फैजान अंसारी, डॉक्टर सलाम सिद्दीकी, एज ऑलवेज ही इनकरेज द यंगर वन लाइक मी। द अनएक्सपेक्टेड एक्सपायरी ऑफ अवर बिलवेड प्रेसिडेंट डॉक्टर मजहर हुसैन अंसारी इज अ लॉस बियॉन्ड द वर्ड। दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड। आई फाइंड दिस एन ओकेजन टू टेक अ वॉव दैट वी विल नॉट deviate from the path of law and cooperation he has shown us, and remember him as an instant source of inspiration for our society, for our association. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी, डॉक्टर मजहर के मैं खास दोस्तों में से रहा हूँ मैं, और मेरी दोस्ती जो 10 सालों से जब हम नीमा से जुड़े थे तब से हमारे खास ताल्लुकात घरेलू ताल्लुकात थे, और कुछ मिशा जी इनकी इतनी थी कि हम इनको बहुत पसंद करते थे। हम क्या इनका जो दुश्मन भी शायद कोई होगा ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं कि इतनी दोस्ती थे इनके सब, और इन मेडिकल फार्मा से मेडिकल से जितने एसोसिएशन है हर फील्ड से उनकी काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी, और काफ़ी मिलनसार इंसान थे। और किसी इंसान के बारे में आपको अगर जानना हो तो उसके साथ आप कहीं सफ़र करिए या उससे कुछ लेन देन करिए तो आपको उस शख्सियत के बारे में आपको मालूम मिले। और मैं इन मामलों में दोनों ताल्लुक से डॉक्टर साहब जो डॉक्टर मजहर अंसारी उनसे मैं बहुत करीब रहा, और मुझे बहुत ही सदमा पहुँचा। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। आज हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट प्रेसिडेंट मजहर साहब के एकदम सडन डेथ के लिए ये कंडोलेंस मीटिंग थी, और ये पर्सनालिटी जो थी ये जितना जैसा कि हमारे सरपरस्त ने बताया जो मिलनसार थे ये थे, लेकिन उनमें एक एबिलिटी भी थी कि एक तंजीम को, एसोसिएशन को, संस्था को कैसा चलाया जाता है, कैसा लोगों को जोड़ा जाता है, इसमें नो डाउट उनमें बहुत ज़बरदस्त ये एबिलिटी थी, सबसे मिलना, सबसे ये करना। और ये जो कुछ हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले तक वो मेरे साथ में थे रात को 9:30 बजे तक, तो ये मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त शौक था। नेक्स्ट डे जो है मिलने की बात थी और सुबह हम लोगों को ये खबर मिलती है, बहुत ज़बरदस्त आदमी था वो, और उसने बहुत कुछ ये किया। और वो पेथी को जो है न सिर्फ ये पेथी बल्कि ऑल पेथी उसमें उसका इंटरेस्ट था, और वो उसके हिसाब से हमेशा उसके तरक्की के लिए काम करता था, लोगों से कांटेक्ट करता था। कई बार मैं और वो जो मंत्रालय में गए, जैसा कि हमारे जहन में ये बात आई थी कि जैसा बॉम्बे कॉरपोरेशन ने गरीब लोगों के लिए इसके लिए ISM जो OPD शुरू करनी है तो वो अपन IGM में शुरू करेंगे, यूनानी आयुर्वेदा एंड होम्योपैथ, ताकि और आजकल वो दौर चल रहा है हर्बल के नाम पे, पूरे जग में ये चल रहा है। तो हम उसका तो रईस साहब ने MLA जो अपने हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर से बात की, दूसरों से बात की, जो तुम्हारा वजीर सेहत के जो जितने जिम्मेदार थे उनसे बात की कि भाई ये किया जा सकता है कि भिवंडी में उस बेस के ऊपर जैसा बम्बई में चलता है यूनानी डिस्पेंसरी और आयुर्वेदा वगैरह, तो आगे तक उन्होंने काम बढ़ाया है। और वो ये देखने के लिए नहीं था, लेकिन ये हम दोनों ने पेश किया था उनके। मैं सबसे पहले नीमा के ताल्लुक से ये कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पे डॉक्टरों की बहुत बड़ी एसोसिएशन है, और उसकी जो भिवंडी ब्रांच है यहाँ पर डॉक्टर मजहर अंसारी पिछले 6 सालों से यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। इससे पहले कुछ ज़्यादा अरसे तक मैं रहा, लेकिन नौजवान थे और मैंने उनमें काबिलियत देखा कि ये आदमी चला सकता है, तो मैंने उनका नाम मैंने तजवीज़ किया, और वो पिछले 6 साल से थे। और अभी जो जलसा हुआ है, जो लोगों के एक्सप्रेशन्स आपके सामने आए हैं,
तो इससे इंशाल्लाह मेरी बात भी सही साबित हो जाती है। हम इतना ही चाहते हैं कि ऐसे नौजवान, ऐसी शख्सियतें बहुत कम पैदा होती हैं, जो ठीक है सब्स्टिट्यूट मिलना, अब पहले जो गुजरे काबिल जो लोग जा चुके हैं उनकी सब्स्टिट्यूट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह डॉक्टर मजहर का सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए हमको मेरा लगता है बहुत बड़ा अरसा जाएगा, और अल्लाह करे हम दुआ करते हैं कि भाई ऐसी कोई शख्सियत हासिल हो। ये लड़का इस कदर खुश मिजाज था, मिलनसार था कि ना सिर्फ नीमा असिशन तक वो महदूद था, बल्कि जितनी असिशन भिवंडी में है, आई एम पे है, इम्पा है, बिम्पा है, जितनी असिशन है तमाम लोगों से उसके बेहतरीन ताल्लुकात थे, तमाम डॉक्टर से, कंसल्टेंट से, और आज का मजमा जो आपने देखा कि 250-300 आदमी जो जमा हो गए थे, ये उसकी कबूलियत जो है वो उसको जो कितना लोग मानते थे, कितना दिल में प्यार था, वो इसका सबूत है। और सिर्फ नीमा के, सिर्फ यूनानी डॉक्टरों के इसमें इसकी जो शोहरत थी और मोहब्बत थी वो खाली इसी में नहीं थी, बल्कि पूरी भिवंडी के फर्टिनिटी जो है, मेडिकल फर्टिनिटी, इसमें इसके जो ताल्लुकात थे। और सबसे बड़ी बात है, मैं दोबारा डॉक्टर अभी रईस शेख साहब ने कहा कि भिवंडी के जो यूनानी डॉक्टर्स हैं, चूँकि डॉक्टर मजहर यूनानी वो उससे थे, यूनानी डॉक्टर्स ने जो कोविड में जो जितना हेल्प किया है, इतना किसी भी नहीं, यकीन मानिए हमारी देखी हुई बात है कि जब अच्छे अच्छे डॉक्टर, कंसल्टेंट, हॉस्पिटल सब बंद हो गए थे, सब भाग गए तो कोविड के डर से, उस वक्त नीमा थी, उस वक्त डॉक्टर मजहर की एसोसिएशन थी जिसके मेम्बरान जो यहाँ पर यानी गांव में मौजूद थे, और बहुत बहुत ताकत से उन्होंने कोविड का मुकाबला किया, हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने राहत पहुँचाई है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उसको हर तरह से सुख पहुँचाए, और उसके घर वाले जो हैं वो इस शौक से निकलें। सदमे आते हैं, सदमे जाते हैं सर, तकलीफ़ें होती हैं, कम होती हैं, ये ज़माने का उसूल है, लेकिन कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो बहुत लंबे अरसे तक याद रखी जाती हैं। इसमें मीना कुमारी साहबा का एक शेर मैं कहूँगा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे हम जहाँ तन्हा। आज डॉक्टर मजहर अंसारी मरहूम साहब के लिए एक ताज़ियती प्रोग्राम रखा गया था, इसमें शहर के तमाम डॉक्टर हजरात, सियासी जमात से जुड़े हुए, सोशल एक्टिविटीज, सभी लोग इसमें आए हुए थे। भिवंडी शहर ने एक ऐसा काबिल डॉक्टर, एक ऐसा बेहतरीन समाज सेवक, और हम सब ने एक ऐसा दोस्त खो दिया है जिसकी भरपाई मुश्किल है। मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, और चूँकि मेरे दोस्त हैं मुजाहिद भाई, उनके भाई का रिश्ता भी था, पार्टी से भी ताल्लुकात थे, सोशल वर्क से, हम चूँकि फार्मा से आते हैं, मेडिकल एसोसिएशन से आते हैं, उससे भी ताल्लुकात थे। मुझे याद आता है कि मैं पिछले डॉक्टर्स डे पे उनके पास गया था, कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैं उस दिन काफ़ी डॉक्टरों से मिला था हौसला बढ़ाने के लिए, तो मैं वहाँ भी गया, देखा वो पीपी किट पहने हुए बिल्कुल पसीने से तरबतर थे। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब अपना ख्याल रखिएगा, चूँकि अब बहुत रिस्की है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सब होने के बाद इस तरह के मामले आ जाएंगे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, हमने एक बेहतरीन दोस्त खो दिया है।